गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हेयर इज़ द समरी ऑफ लेसन टू वाइट वॉशिंग द फेंस बाय मार्क ट्वेन। द स्टोरी स्टार्ट्स विद टॉम एंड हर आंट पोली हु वॉज लुकिंग फॉर टॉम। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। यहाँ आंट पोली है जो टॉम को ढूंढ रही है, लेकिन टॉम आवाज़ सुनने के बाद भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। फिर आंट पोली जो है दरवाज़ा खोलती है और वहाँ जो टमाटर की बेलें लगी हैं वहाँ से वो उसे ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे टॉम वहाँ भी नहीं मिलता। अब वो टॉम को ढूंढ लेती है जो अलमारी के पास खड़ा है और जैम का डब्बा उसके हाथ में है। टॉम वहाँ जैम खा रहा है, लेकिन आंट पोली के पूछने पर वो कहता है कि नहीं नहीं वो कुछ नहीं कर रहा। अब आंट पोली उसे डांटती हैं, लेकिन टॉम यह कहकर भाग जाता है कि देखो आपके पीछे कोई खड़ा है। आंट पोली पहले हंसती हैं और फिर अपने आप खुद सोचती हैं कि इसे टॉम है, इसे मुझे पनिशमेंट देनी ही होगी। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो बड़ा होने के बाद एक आलसी और ख़राब बच्चा बन जाएगा। अगले दिन सैटरडे था और उन्होंने सोचा कि अब टॉम ने जो किया है उसे उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो उसे पनिशमेंट के तौर पर जो फैंस है, बार्ड है, उसे पेंट करने का काम उसे देती है। टॉम अब अपना पेंट ब्रश उठाकर, अपनी बाल्टी उठाकर उस रास्ते पर चल पड़ता है जहां उसे जाकर उस दीवार को पेंट करना है, उस फैंस को पेंट करना है। वो आह भरता है और सोचता है कि आज उसने मज़े करने का प्लान बनाया था, लेकिन अब उसका दुख जो है वो दुगना हो चुका है। और जो बच्चे फ्री हैं अब वो उसका उसके काम का मजाक उड़ाएंगे। उसके खिलौने, कंचे, वो सभी चीज़ें उसे वर्थलेस लग रही थी। मतलब उसे उनकी अब उसे कोई कीमत नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो उससे अपनी आधे घंटे की आज़ादी नहीं खरीद सकता था। इसलिए उसने अपना ब्रश उठाया और आराम से उसने अपना काम शुरू कर दिया। अब एक लड़का बेन रोजर वहाँ एप्पल खाते हुए आता है और वो पूरे जोश में उससे पूछता है कि वो सोच रहा है, पूरे जोश में उसने सोचा कि अब वो टॉम का मजाक उड़ाएगा। लेकिन टॉम उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन एप्पल देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन वह दिखावा करता है कि वो एक अच्छे पेंटर की तरह अपना काम कर रहा है। बेन ने उसे कहा, फिर से उसे आवाज़ लगाई कि आज भी तुम्हें काम मिला है, लेकिन टॉम उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और लेकिन एकदम अचानक उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है कि ओहो मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुम यहाँ कब आए। टॉम उसे कहता है कि मैं स्विमिंग के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम तो नहीं जा पाओगे क्योंकि तुम्हें काम है और ये जो वाइट वॉशिंग का काम है ये भी तुम पर सूट कर रहा है। अब टॉम कहता है कि ये जो पेंटिंग का काम है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब बेन जो है वो अपनी एप्पल को खाना बंद कर देता है और बड़े ध्यान से देखने लगता है कि टॉम किस तरीके से पेंटिंग कर रहा है। तो कहता है कि टॉम मुझे भी वाइट वॉश करने दो थोड़ा सा। लेकिन टॉम कहता है नहीं नहीं आंट पोली ने इसे बहुत ध्यान से करने के लिए कहा है, मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा क्योंकि हज़ारों में से कोई एक ही इसे अच्छे तरीके से कर सकता है। लेकिन बेन कहता है कि प्लीज़ मुझे कुछ मुझे करने दो, मैं इसे अच्छे तरीके से कर लूँगा। टॉम बेन को कहता है कि मैं भी चाहता हूँ, लेकिन आंट पोली इसे पसंद नहीं करेंगी। तो आगे टॉम कहता है कि आंट पोली ने ये काम ना तो जिम को दिया और ना ही सिड को दिया, वो सिर्फ ये चाहती थी कि इस फैंस को मैं ही अच्छे तरीके से पेंट करूं। अब बेन कहता है ओहो मैं इसे ध्यान से कर लूँगा, मुझे करने की कोशिश करने दो और ये तुम मेरा हाफ एप्पल ले लो। ठीक है तुम ये सारा ले सकते हो, पूरा एप्पल जो बचा हुआ था वो बेन टॉम को दे देता है। टॉम अपना ब्रश बेन को दे देता है ऐसे आधे अधूरे मन से और वो दिखावा करता है कि वो उसे करना चाहता था, लेकिन वो उसे अब पेंट करने के लिए वो उसे ब्रश दे रहा है। बेन ने काम करना शुरू किया और दोपहर की गर्मी में उसे पसीना भी आ गया था। अब
एप्पल लेके एक बैरल स्विंग पर बैठ जाता है अपनी टांगे नीचे लटकाते हुए, और साथ में ये भी प्लान बनाता है कि कैसे वो दूसरे बच्चों से अपना काम निकलवाए। इसी बीच दूसरे बच्चे भी आ जाते हैं। अब बैन थक चुका था, अब टॉम ने अपना जो है काम बिली फिशर को बेच दिया और उससे एक अच्छी काइट ले ली। अब वहाँ जॉनी आ जाता है, उससे भी वो एक डेड रेट ले लेता है और एक स्ट्रिंग टू स्विंग इट डेड रेट को स्विंग करने के लिए। अब दोपहर तक टॉम के पास बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। इन दो चीज़ों के साथ साथ टॉम के पास 12 मार्बल, ए पीस ऑफ ब्लू बॉटल, ग्लास टू लुक थ्रू अ की दैट वुडंट अनलॉक एनीथिंग, एक उसके पास चाबी हो जाती है जिससे कुछ नहीं खुल सकता, चौक उसे मिलता है, एक टिन शोल्डर उसे मिलता है, फायर क्रैकर पटाखे उसे मिलते हैं, एक किटन मिलती है जिसकी एक आँख नहीं है, डॉग कॉलर उसे मिलता है और एक हैंडल ऑफ ए नाइफ और बहुत सी इसी तरीके की चीज़ें। ये बहुत शानदार था। टॉम ने एक बात ह्यूमन नेचर के बारे में जानी कि यदि हम किसी से काम निकलवाना चाहते हैं तो ज़रूरी ये है कि हमें दिखावा करना होगा कि ये काम बहुत मुश्किल है और जिसे सिर्फ वो ही कर सकता है। अब तक पूरी फेंस पेंट हो चुकी है, वाइट वॉश हो चुकी थी। अब टॉम आंट के पास जाता है और कहता है कि उसने सारी जो फेंस है उसे पेंट कर दिया है। आंट पोली फेंस की वाइट वॉश देखकर हैरान रह जाती है और उससे कहती है यदि तुम कुछ काम करना चाहो तो तुम उसे अच्छे से कर सकते हो। तो वो उसे घर ले जाती है और उसे खाने के लिए अच्छा एक एप्पल देती है और साथ में उसे परमिशन दे देती है बाहर जाने की और खेलने की। आई होप यू अंडरस्टैंड द लेसन। थैंक यू।